किन्नौर में एक बार फिर से कैदी के भाग जाने की घटना घट गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ये कैदी अस्थायी जेल से नहीं बल्कि कोविड-19 अस्पताल से फरार हुआ है। हम आपको बता दें कि कोविड सेंटर सुवेहड़ी में 52 लोग क्वारंटाइन थे, जिसमें 3 ऐसे अभियुक्त भी शामिल थे जो जेल में संक्रमित होने के बाद सेंटर पर भर्ती करवाए गए थे, जिसमें से एक अभियुक्त 22 साल का वाजिद निवासी इस्लाम नगर नूरपुर आज सुबह वहां से फरार हो गया। उसकी फरारी का पता तब चला जब 11 बजे मरीजों की गिनती की गई। जैसे ही यह खबर बाहर निकली पुलिस विभाग में खलबली मच गई। तुरंत SP बिजनौर मौके पर पहुंचे और लापरवाही बरतने के कारण एक सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबलों को SP ने सस्पेंड कर दिया और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गईं। SP की सख्ती की वजह से पुलिस पूरी तरह से हरकत में आई और 3 घंटों के भीतर ही पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। SP ने बताया कि अभियुक्त को फिर से जेल भेज दिया गया है। बिजनौर के सुवाहेड़ी स्थित कोविड हॉस्पिटल में लगभग 52 लोग थे जो कोविड पेशेंट हैं, इसमें से 3 अभियुक्त भी हैं जो कोविड पेशेंट हैं। उसी में से एक वाजिद नाम का अभियुक्त जो 3/25 आरएसपेक्ट में नूरपुर थाने से बंद है, लगभग 4 बजे मिस हुआ, भाग गया। जब गणना हुई 11 बजे तब ज्ञात हुआ। इसकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें लगा दी गई हैं। लापरवाही बरतने के आरोप में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। टीमों को बता दिया गया है कि अभियुक्तों के साथ साथ यह कोविड पेशेंट भी है, गिरफ्तारी में सावधानी बरतेंगे। वाजिद नाम का अभियुक्त जो सुवाहेड़ी स्थित कोविड सेंटर से फरार हो गया था, इसकी सूचना लगभग 11 से 12 के बीच में मिली थी। 3 घंटे के अंदर इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, विधिक कार्रवाई करके जेल भेजा जा रहा है।